Let's start with September 2022. Ma'am, what is the WPM required? WPM kya hota hai? इतना शॉर्टकट्स नहीं आता मुझे शॉर्ट फॉर्म्स. चलो जल्दी जल्दी पहले सारे एमसीक्यूज बना लेते हैं. अब भी हो रहा है? हाँ ठीक है. अभी है 12:13. ओ राइटिंग स्पीड, दैट इज आई कैन नॉट से. आई कैन नॉट से व्हाट शुड बी द राइटिंग स्पीड. आई कैन से आपके 26 एमसीक्यूज मैक्सिमम 20 मिनट्स में हो जाने चाहिए. दैट्स लाइक 20 मिनट्स आइडियल है. आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स अगर लग रहा है उससे मतलब 30 मिनट्स इज द रेड लाइन. उसके ऊपर जाते ही आप समझ जाओ कि आपका पेपर खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि यू नीड टू अगेन अटेम्प्ट 10 मोर एडिशनल क्वेश्चंस इन अनदर 2 आवर्स. 30 प्लस 20 प्लस 15 समझ लो 2 आवर्स 45 मिनट्स. 3 घंटा बीच में हो जाएगा, वो हाँ 20 मिनट्स का अगर कंप्लीट करे तो 3 घंटा बच जाएगा। नहीं, मैं नहीं गिन रही हूँ. मैं 15 मिनट्स गिन रही हूँ. 5 मिनट अपलोडिंग डाउनलोडिंग वो सब का मैं गिन रही हूँ. तो तुम्हारा आधी घंटा चला गया तो कितना बचा? 2 आवर्स 45 50 मिनट्स के अराउंड. बट वही मैं बोल रही हूँ, उतना तुम्हें चाहिए. अब तुम दो तीन पेपर टाइप करके देखो तुम्हारा कैसा हो रहा है. आई नेवर फील दैट टाइपिंग शुड बी अ कंस्ट्रेंट इन CB2. नहीं वो गलत है. तो वो गलत है, वो उसका अप्रोच मतलब तुम गलत कर रहे हो. एमसीक्यू का कम टाइम लगना चाहिए. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. चलो वन से क्विकली क्विकली. वन का ए वेरी गुड. माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स बोल रहे हैं. प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक एक करके है. ये प्राइस लेवल है, हाउसिंग है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ है. तो ये हो गया. नेक्स्ट. ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग है बट ठीक है करो. आई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? आई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट कंजम्पशन भी बढ़ेगा, फाइनल कैपिटल रिड्यूस्ड, कैपिटल फ्यूचर कैपिटल रिड्यूस्ड, करंट कंजम्पशन. क्यों? ये क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने गलत दे रखा है, क्योंकि इन्होंने भी लिखा है ऑल रिस्पॉन्सेज टू बी मार्क्ड करेक्ट. ठीक है, तो इसमें सबको फुल मार्क्स मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइस इंक्रीज, राइट पर शिफ्ट, इंक्रीज इन प्राइस है तो डिमांड कर जाए. आइसक्रीम ठीक है, और वेरी गुड सी होगा, सब्स्टिट्यूट आइसक्रीम. नेक्स्ट. फोर सब्स्टिट्यूट हो गया ना आइसक्रीम, तो उसका डिमांड इंक्रीज. इनकम इंक्रीज हो रहा है. इज लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली. लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली में ज्वेलरी कैसे हो गया भाई? फिजी ड्रिंक्स,
फिजी ड्रिंक्स इंफीरियर गुड कंसिडर करें अगर, क्योंकि बाकी सब चीज लग्जरी बोल सकते हैं, तो इनकम बढ़ेगा तो आप ये करोगे, फिजी ड्रिंक नहीं करोगे, दैट्स अ काइंड ऑफ एन इंफीरियर गुड इफ योर इनकम इंक्रीजेस, क्योंकि बाकी सारे तीनों सेम तरीके के हैं, कार ज्वेलरी एग्जॉटिक हॉलीडे लिखा है, लग्जरियस हो गए। आर्क मेथड है, मतलब कैलकुलेटर यूज करता, इसीलिए तुमको ज्यादा टाइम लगता है, है चार कुछ गलत हुआ है फिर मेरा। आर्क मेथड, ओ नहीं आर्क मेथड, ये तो ओरिजिनल मेथड हो गया, ये ओरिजिनल मेथड हो गया है। एवरेज मेथड, तो इधर पे एवरेज ऑफ पी एंड एवरेज ऑफ क्यू लगेगा क्या, तो 200 प्लस 400 इज 600 डिवाइड बाय, तो ये हो गया 300, 12 प्लस 16 इज डिवाइड बाय 2 इज, अब करो एक बार, करेक्ट एक बार लिख लो ये सब चीजें, कुछ कुछ छोटी चीजें हैं, मार्क कर लो। आर्क मेथड बोले तो बाय डिफॉल्ट इट इज एवरेज मेथड। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट, वेरी गुड, हायर प्राइस क्यों होता है उनका एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि इन इलास्टिक है, क्योंकि कम कम वो है, और इन इलास्टिक होगा तभी तो चार्ज कर पाएंगे, नहीं तो कैसे, और परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अदरवाइज तो दोनों ऑप्शंस नीचे के नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा, प्रोग्रेस उसे क्या होगा, फ्यूअर फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन प्रोडक्शन होगा ना, सप्लाई कर्व। नेक्स्ट एट, मरूफ प्लीज म्यूट योर सेल्फ क्विकली। एट नंबर, आधी घंटा में कंप्लीट करना था हमें, 5 मिनट हो गया। डिमांड कर्व इज मोर प्राइस इन इलास्टिक, सब्सिडी किसको, सब्सिडी में उल्टा हो जाता है, जिसको इलास्टिक जिसका रहता है ना उसपे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये याद रखना, तो जिसका इलास्टिक होगा उस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, देन अ सब्सिडी विल बेनिफिट मेनली कौन, हाँ तो आप अगर इन इलास्टिक डिमांड है, सपोज समझो, ठीक है सब्सिडी भूल जाओ, इन इलास्टिक डिमांड है, टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट, तुम अपना कंजम्पशन उतना कम नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, ठीक है, तो तुम्हारे पे ज्यादा उसका इम्पैक्ट आया ना, तो जितना इन इलास्टिक होता है उतना इम्पैक्ट ज्यादा ऑफ, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी तुम उतना नहीं कम कर पा रहे और टैक्स ज्यादा देगा, तुम अडिक्ट है, तो मेनली कंज्यूमर हुआ ना, ये सब मार्क कर लो, ऑल ऑफ यू प्लीज मार्क दीज पॉइंट्स, जहां जहां मिस्टेक हो रहे हैं रिविजन इनका ही करना है, मैम व्हाट टू रिवाइज, दिस टू रिवाइज, ठीक है।
क्लियर, जो इनइलास्टिक होगा उस, मैंने जो बोला कि इलास्टिक इम्पैक्ट ज्यादा, मतलब उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, व्हेन आई से वो तरीके से, टैक्स के टाइम पे उसका बेनिफिट है बट सब्सिडी के टाइम पे उसको नुकसान है, एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स एट इट्स मिनिमम, वेरी गुड। बाकी सारा गलत है, ये तो नहीं होगा, ये भी इनवर्स वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 10, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आओ आओ, मेक स्पेस फॉर, शिफ्ट हो जाना भाई। क्विकली कॉस्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन फॉर अ फर्म। रीपेमेंट करें, इंटरेस्ट का नहीं, तुम रीपेमेंट सोचो, कुछ भी क्यों होगा। सही बोला तुम शुरू में, जो तुम सही बोला, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तुम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही हो, रीपेमेंट कर रही हो। रीपेमेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एवरी टाइम। तुम अकाउंट्स मत पढ़ो, इको पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। हम लोग लोन देते हैं, हम लोग सपोज रेंट देते हैं, दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो एवरी, तुम एक चीज यूज करियो, एवरी मंथ हैव टू मेक अ रीपेमेंट ऑफ 20,000 ईएमआई, दैट्स माई फिक्स्ड कॉस्ट। तुम प्रोडक्शन करो नहीं करो, 20,000 तुमको रीपे करना पड़ेगा, करेक्ट। आप लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग इको पढ़ रहे हो, अपने आपको ये चीज याद दिलाया करो बार बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा, आपको लोन रीपे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, सितंबर 22, चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो। एज लॉन्ग एज द प्राइस दे चार्जेस, करेक्ट, जब तक लॉन्ग रन है भाई मेरे, लॉन्ग रन है, तो उसमें वेरिएबल कॉन्सेप्ट तो रहता ही नहीं है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। वेरी गुड जानवी, एंड रॉन्ग श्रेय, ये कब पढ़ोगे, सॉरी यहाँ नहीं है, लॉन्ग रन इधर पढ़ा था मैंने, एज लॉन्ग एज, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन होता तो भी, लॉन्ग रन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेक्स्ट, कहीं डाउट है प्लीज पूछना है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को इसमें डाउट नहीं आ रहे, सो दैट इज, हाँ बोलो। फर्म इज ऑपरेटिंग, परफेक्ट कंपटीशन है, लॉन्ग रन है, वेज इंक्रीज हुआ, वेज इंक्रीज होने से क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, एक तरीके से समझो, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, मार्केट सप्लाई शिफ्ट्स अपवर्ड्स बोल सकते हैं, लेफ्ट आर्म, वेरी गुड। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फर्म्स होगा, ये क्लियर है, क्योंकि सप्लाई कर्व आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये दोनों कट गया, बी एंड सी, रिडक्शन इन नंबर ऑफ फर्म्स, और अभी के लिए लॉस होगा पहली बात, फिर उसके बाद लॉन्ग, तो इट इज सी, ठीक है, 12 का सी। अभी तो आपका लॉस हो जाएगा ना, सप्लाई कम हो गया तो। नेक्स्ट, अगर आप लोग को डाउट है तो मैं बना के दिखा दूं। हाँ, प्राइस आपका क्या हुआ, एक बार में प्राइस उतना ही रहेगा, प्राइस नहीं चेंज हुआ अभी, क्योंकि खाली ये आपका डिमांड है, ये सप्लाई है, सप्लाई ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ आपका प्राइस हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो आपका ये जो गिवन पी है, ठीक है, आपका ये आपका नॉर्मल एसी कर्व अगर हम समझे, तो एसी आपका क्या हो रहा है, और ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है ना, तो लॉस इंक्रीज होगा, ये समझो बेसिकली। एक पी गिवन है, एसी है, तो एसी ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो लॉस इंक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट, ये वाला कर्व बना लो इधर बगल में, एसी शिफ्ट हो रहा है तो ये लॉस हो जाएगा, ये पहले इतना था प्रॉफिट, पहले इतना था प्रॉफिट, अब आपका प्रॉफिट खाली इतू सा है। चलो नेक्स्ट, तो कम हो गया ना, 13,
बिलो डिमांड कर्व, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्या कर ये इसमें डायग्राम बना रहे हैं? वो तुम्हारा टाइम वेस्ट की, देखा इतना देर से तुम फटफट आंसर कर रहा था। द मार्जिनल रेवेन्यू, कॉपी पेन नहीं निकाला अभी तक तुम एक बार भी। द मार्जिनल रेवेन्यू, यही तुम लोगों का गलती है। तुम लोगों को लगता है टाइपिंग लेके बैठना पड़ेगा एक रफ पेपर और एक पेन, कि जो एग्जाम में नहीं समझ में, एक बार के लिए लिख के यहाँ पे लिख दो 13 नंबर, इसीलिए तुमको ज्यादा टाइम लग रहा है एमसीक्यू आंसर करने में। यू इफ द मोमेंट यू क्रॉस 30 मिनट्स फॉर एमसीक्यू, समझ जाना पेपर नहीं खत्म होने वाला टाइम पे। और अगर लिख के भी आओगे तो फुल मार्क्स नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ भी अनशन लिख दोगे फिर शॉर्ट लॉन्ग में। हाँ कुछ नहीं था इसमें। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर अ मोनोपोली इज ऑल्सो वॉट? हाँ इज ऑल्सो वॉट? इज बिलो द डिमांड कर्व। ठीक है नेक्स्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ नहीं। श्रेय गिनोरिया डी बोल रहा है, विच इज रॉन्ग। एक पॉलिसी दूसरा पॉलिसी, दोनों पॉलिसी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर लीडिंग टू अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट विथ हायर प्राइसेस, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना। एक तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक है, बट इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है एट द सेम टाइम। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बोथ, हाँ हर समय नहीं, क्योंकि बाकी ऑप्शन रीड करो। रिडक्शन इन टैक्स, क्या रिडक्शन इन टैक्स लीडिंग टू मोर ग्रोथ एंड लोअर, तो दोनों तो पॉजिटिव आउटकम है। हाँ हाँ दैट इज ऑल्सो, दैट इज ओनली अ गवर्नमेंट पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट ना। हमने क्या पढ़ा है, जो हम लोग बोलते थे कि ये गवर्नमेंट अगर करेगा तो ऐसे होगा, बट अगेन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सम फॉर सम पॉलिसीज। ठीक है पहले वाले का भी मोर इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है। भाई तुम ये रीड कर, इस अलग से तुमको कुछ नहीं सोचना है, जो दिया है बस वही। नेक्स्ट 15, यू डोंट हैव टू थिंक आउट ऑफ एमसीक्यू। Injections are what? B और C लोग बोल रहे नहीं है, क्योंकि aggregate demand नहीं reduce होते हैं और income leaving the economy भी नहीं होता, injection दोनों cut। Very good, link to level of income, क्योंकि injection क्या होते हैं, injections क्या क्या है, injections example injections का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा क्या है, इनकम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, बट इनकम का फंक्शन नहीं है ये, इनकम का फंक्शन विड्रॉल से बनाते अपने। ठीक है नेक्स्ट। ये आई हो गया, ये एस हो गया, ये जी हो गया, ये एम हो गया, ये टी हो गया, एक्सपोर्ट निकालने में बोले। आप यहाँ पे इंजेक्शन इक्वल्स टू विड्रॉल करो, मरूफ ने बी बोला, बी किसके लिए बोला है? आप लोग नंबर लिख के लिखोगे तो इजी रहेगा मेरे लिए। अरे इंजेक्शंस कौन कौन से हो गए, इंजेक्शंस इज जी प्लस एक्स प्लस आई एस प्लस एम प्लस टी, ये निकालना है। निकालो 40 आ रहे, वेरी गुड। नेक्स्ट 17 नंबर। मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय
वन माइनस एमपीसी और नो टैक्सेस है तो वो, हाँ 1/, करेक्ट 2.5, 1/, 1 माइनस 0.6 विच इज 2.5, 1/0.4. नेक्स्ट, रियल नेशनल इनकम. नॉमिनल नेशनल इनकम इज एडजस्टेड फॉर पॉपुलेशन से कुछ लेना देना है नहीं, हम लोग जीडीपी पर कैपिटा नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद डिप्रिसिएशन से मतलब नहीं है क्योंकि आपका नेट और ग्रॉस वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो यही होगा ना, प्राइस लेवल ही होगा, रियल एंड नॉमिनल. नेक्स्ट 19, सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी डू नॉट इंक्लूड. ये करता है, ये भी करता है. हाँ सी, क्योंकि ये आपका फिस्कल हो जाता है. 20 नंबर, फिजिकल पोजिशन इज लाइकली टू वॉट, वर्सन तो होगा नहीं, एक्सपेंशन बूम है, इम्प्रूव होगा बिकॉज लो टैक्स नहीं, ड्यू टू लेस स्पेंडिंग ऑन बेनिफिट्स. क्यों? क्योंकि बूम है इकोनॉमी में, तो एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड ज्यादा है, तो टैक्स भर रहा है. फिस्कल ड्रैग क्या होता है, कोई समझाएगा मेरे को? कैन एनीवन एक्सप्लेन फिस्कल ड्रैग? मैम, व्हेन बोलो. द देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट ओवर द इयर्स, लाइक द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सीडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, सो इट इंक्रीजेस द पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग, सो दैट इज द फिस्कल ड्रैग. वेरी गुड. ईयर ऑन ईयर आपका डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग्स आर इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट डेट लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं, दैट्स अ फिस्कल ड्रैग. ठीक है, योर ऑन योर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजिंग एंड सो पब्लिक सेक्टर नेट कैश बोरोइंग्स आर इंक्रीजिंग. सो इससे टू अवॉइड द प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्या करेगा? इनकम टैक्स मेंटेन करेगा, रिड्यूस करेगा. रिड्यूस करने से तो एनीवेज और डेफिसिट में जाएगा. वेजेस इंक्रीज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो वो सब तो उसको करना ही नहीं है. इंक्रीज, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट विल हैव टू डू इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेफिसिट. एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट डेफिसिट? एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, रेवेन्यू. गवर्नमेंट रेवेन्यू इज पॉजिटिव की नेगेटिव? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको क्या करना है, रेवेन्यू या तो बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर कम करना है, तो इन दोनों से आपका कुछ. और यहां से आपका एक तरीके से जब आप वेजेस बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर आपका और बढ़ेगा, गवर्नमेंट का भी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसको अपने लोगों को भी तो वेजेस ज्यादा देना पड़ेगा. सो डी 22, इन ऑर्डर टू मेक जनरल परचेजेस, दिस इज नोन एज, तीन था, जनरल परचेजेस का कौन सा होता है? क्या जनरल, जनरल वर्ड, जनरल पे फोकस. तीन तीन क्या है? एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव है. ट्रांजैक्शन मोटिव इज डेली, डे टू डे परचेजेस, तो ये ट्रांजैक्शन ही है. स्पेक्युलेटिव मतलब फ्यूचर में, स्पेक्युलेटिव मतलब जैसे आपने शेयर्स में डाला, मतलब आप ट्रेडिंग एसेट के परचेज कर रहे हो या सेल, जो भी, वो आपका स्पेक्युलेटिव हो गया. और एक्सचेंज मोटिव होता नहीं है, तीन होता है तो वो तो है नहीं. प्रिकॉशनरी इज फ्यूचर के लिए, आप सेव करो कि फ्यूचर में कुछ अर्जेंट मेडिकल अर्जेंसी या कुछ भी आ जाए तो उसके लिए. 23, इंक्रीज इन मनी सप्लाई. इंटरेस्ट रेट सबसे पहले बताओ क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट फॉल होगा,
इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो अपने ये काट देते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो इंटरेस्ट रेट क्यों, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इंटरेस्ट रेट कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, ये हमने लास्ट अभी पेपर में भी इसका पूरा डिस्कस किया था. सो ऑप्शन ए वेरी गुड. 24 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? स्ट्रक्चरल कब होता है? रियल वेजेस स्ट्रक्चरल. ऑप्शन बी, सी और डी. व्हेन एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस सस्टेन डिक्लाइन इन डिमांड, व्हेन देयर इज अ सस्टेन डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड. डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस है कि ओवरऑल इन जनरल पूरा एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, कंट्री एज अ होल इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन. कंट्री एज अ होल इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन. और इसमें आपका बोल रहे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ डाउनफॉल. फैशन इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स आ गया, तो वो जो पुराने फोन थे दैट इन जनरल एक्सपीरियंस द डिक्लाइन. हम लोग पहले यूज करते थे बचपन में, वो आईपॉड्स होते थे, गाना सुनने के लिए हम लोग यूज करते थे. तो नहीं, तुम लोग शायद नहीं यूज किया होगा, तो उसमें से छोटा सा होता था, सॉन्ग्स के सारे कलेक्शन होते थे, फिर हम लोग ऐसे लगा के उसको अटैच करके सुनते थे. आईपॉड्स बोलते थे उसको, मतलब आईपॉड तो आईफोन वाला हो गया, बट खाली एप्पल का नहीं और भी ब्रांड्स का आता था, तो वो यूज करते थे म्यूजिक के लिए. तो दैट सॉ जनरल डिक्रीज व्हेन द फोन्स, कैमरास पहले बहुत यूज होता था, दैट सॉ डिक्रीज आफ्टर योर सेल फोन्स केम इन. सो दैट्स अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो आंसर सी होगा, डी नहीं. डी इज द ओवरऑल, मतलब डिमांड एफिशियंट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. ठीक है, डी वाला. और ए वाला इज रियल वेज, ये भी आपके डिमांड एफिशियंट में चला जाता है एट पर्टिकुलर पीरियड्स. ये वाला आपका हो गया साइक्लिकल चेंज. ठीक है, तो ये भी नहीं. नेक्स्ट 25 डी, पॉपुलेशन है 25 का, विथ 12 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड है, 2 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट है. साइज ऑफ लेबर फोर्स क्या होगा? 12 प्लस 2. ठीक है, बाकी लोग को विलिंगनेस नहीं है वर्क करने का, सो 12 प्लस 2 इज 14. वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन क्लियर. 20 एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क, और लेट मी नो कि मैम यू आर गोइंग फास्ट, प्लीज कैन यू गो स्लो इन द चैट बॉक्स, और मैम यू आर गोइंग स्लो, प्लीज गो फास्ट, वट एवर. चलो नेक्स्ट. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मे बी लाइकली टू अराइज फॉलोइंग. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होता है? ये अच्छा एक बात बताना, इनकम टैक्स और ये तो फिस्कल हो गए ना, तो स्ट्रेट अवे कट दीज टू पॉइंट्स. ये लास्ट पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था लास्ट पेपर में भी, उसमें खाली एक पॉइंट फिस्कल का था. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो सिर्फ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहाँ से हो रहा है भाई? इंटरेस्ट तो कम हुआ ना, तो लोग जो इंटरेस्ट पे कर रहे ऑन लोन, जो देना पड़ रहा है वो तो कम हो गया ना. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहाँ से आ रहा है? नहीं, मे बी लाइकली टू अराइज फॉलोइंग व्हाट? फॉलोइंग अ रिडक्शन आफ्टर, दीज आर द कॉजेस, दिस इज द इफेक्ट. इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस ही होगा ना. अगर मेरा यहाँ पे वो है, ऑफिस है, आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ ना. 27 क्विकली, दैट्स हाउ यू डू एमसीक्यूज. जो नहीं समझ आए मार्क करके आगे बढ़ो, यू कैन नॉट वेस्ट 10 मिनट्स ऑन वन एमसीक्यू. सीपीआई दिया हुआ है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालेंगे? बेस और दिस 165.3 माइनस 154.5 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट आ रहा है? करंट माइनस बेस ईयर बाय बेस ईयर. जीरो पॉइंट 6.99%. 7 भी लिख सकते थे. नेक्स्ट प्राइस
रिवाइज क्या हो जाएगा, इनटू 1 प्लस 6.99 कर दो या फिर 7%, क्या आ रहा है 3814 2.04। नेक्स्ट इन बैंक अकाउंट विच पेज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6% आफ्टर योर हैज पास ही पेड 120 एज इंटरेस्ट, 120 क्यों दिया, 6% ऑफ 2000। एक्सप्लेन वेदर रॉबर्ट इज नाउ बेटर ऑफ या वर्स ऑफ। इन्फ्लेशन आ रहा है 7% मान लो और उसने पे किया 6%, करेक्ट। जब आपका इन्फ्लेशन इज हायर देन द इंटरेस्ट, बोरोअर का फायदा, तो इसका फायदा है, इसका फायदा है, ये बोरोअर है, ये बोरो किया है इसने, नहीं एक सेकेंड, इन्वेस्ट किया है, तो ही हैज पेड, क्यों बोला है? मैम लिखा ही इज पेड, मतलब बैंक इसको 120। अच्छा बैंक इसको दिया, ही इज पेड, ही पेड नहीं, ही पेड नहीं है, ही इज पेड है। गुड श्रेय, गुड, पहली बार जिंदगी में तुम इतना साल बाद सही बात बोला है। ही इज पेड 120, तो उसको 120 मिला है, ही इज एन इन्वेस्टर, तो उसका वर्स ऑफ हुआ, क्योंकि देखो सुन लो सुन लो, उसको मिला 120, बट वो 120 का जो रियल अमाउंट है वो तो बहुत कम हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन है 7% और उसको मिला रिटर्न इज 6%, सो रियल रिटर्न इज -1%, रियल रिटर्न इज -1%। तो आप लोग ऐसे बोलोगे उसका रियल इंटरेस्ट रेट इज -1%, ये आपको लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स है, ऐसे फ्री गिफ्ट नहीं है 2 मार्क्स, ठीक है। रियल रिटर्न इज -1%, वर्स ऑफ हो गया बेचारा। नेक्स्ट 28, देखते हैं कितना इजी है। मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल मेजर्ड एज द मैक्सिमम अमाउंट दे आर विलिंग टू पे। इंडिविजुअल्स टोटल यूटिलिटी 4 यूनिट्स अगर कंज्यूम करेगा तो टोटल यूटिलिटी कितना मिलेगा, ये पूरा को एड कर दो, कितना आ रहा है 69, वेरी गुड। नेक्स्ट 5 यूनिट्स, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन ही इन्होंने किया है, उसका मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, तो इसको अगेन ऐड कर दो ना। फ्रॉम कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स तो कितना होगा, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर तो आप 8 को लेके करोगे ना, प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है 40। नेक्स्ट क्लियर, प्राइस दिया हुआ था ना, तो बेसिकली अगर हम ग्राफ बनाए, दिस इज योर 8, दिस इज प्राइस एंड योर मार्जिनल यूटिलिटी इज ऐसा, नेगेटिव दिखाया नहीं इन्होंने बट ऐसा, दिस इज एम यू, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट इज 14 माइनस 8, कितना आ रहा है, ठीक है, आप लोग लिखोगे एम यू माइनस पी एम सी एस, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस इज 6। नेक्स्ट टोटल कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स, तो इसमें आपका आ रहा है कितना, टोटल 45 माइनस 16 भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल करके भी कर सकते हैं, कितना आ रहा है 29, which is या तो total utility which is 25 plus 20 minus total expenditure which is 8 into 2 which is 16. Calculate the level of consumption at which the total consumer surplus is maximized. Total consumer surplus कब maximize होगा? यहां तक आपका maximize होगा, इसके बाद आपका वो गिरना start हो जाएगा क्या? गिरने लग जा रहे हैं, तो फिर निकालो कितना लेवल, किस लेवल पे ये इक्वल है, 4 यूनिट्स पे मैक्सिमाइज हो रहा है,
क्योंकि बट अगर आप लोग इसका न्यूमेरिकली भी निकाल के बता दोगे तो सही रहेगा. 4 यूनिट्स पे आपका 4 × 8 कितना पे कर रहे हैं, और आपका कितना वो है, 69 - 32, विच इज 37. आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस है, दैट इज द मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी फॉल होते जाता है ना. तो कंज्यूमर सरप्लस कम होते जाएगा. मैक्सिमाइज कहाँ होता है, जहां पे एमयू इक्वल्स टी, और वो इक्वल नहीं आ रहा पूरा, तो 10. मैम कैन यू प्लीज टेल अगेन हाउ दिस 69 केम? 69 ये आपको ऐड किया इन तीनों, इन चारों को, आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस आया, सॉरी टोटल यूटिलिटी आया, 8 × 4 किया तो टोटल एक्सपेंडिचर आया. तो टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज टोटल कंज्यूमर सरप्लस. टोटल यूटिलिटी 69, दिस इज 32, तो ये 37 हो गया. क्लियर जानवी? और ये यहाँ क्यों मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ये 6 हो गया, मतलब डिस यूटिलिटी मिलेगा. बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस फॉल होते जाएगा. डिस यूटिलिटी नहीं बोलेंगे, डिस यूटिलिटी इज नेगेटिव जब जाते हैं. तो कंज्यूमर सरप्लस अब फॉल होते चला गया, 2 से फॉल हुआ, फिर 4 से फॉल हो गया, एंड सो ऑन. ठीक है, चलो 29. कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ड्यूरिंग अ पैंडेमिक मे एक्सपीरियंस वेन सीकिंग टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन इन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग रन. दोनों को अलग अलग बताना है. चैलेंजेस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर वो बनाएगा, मैन्युफैक्चर करे, तो क्या क्या चैलेंजेस. शॉर्ट रन का पहले डिस्कस करते हैं, उसका 2.5 मार्क्स है, लॉन्ग रन का 2.5 मार्क्स है. तो पहले शॉर्ट रन का बताओ. कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहले एक एक करके आओ. वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. कैसे फ्रेम करते हैं उसको, अगर बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर उसको इंक्रीज करना होगा. एडिशनल स्टाफ लेने होंगे, या तो जो स्टाफ है उसको ओवर टाइम कराना होगा, या तो रॉ मटेरियल चाहिएगा. एक फ्लो में जाओगे तब आपको मार्क्स मिलेगा. तो क्या चाहिए शॉर्ट रन में, उसको अपना लेबर या तो इंक्रीज करना है, एग्जिस्टिंग लेबर से ओवर टाइम कराना है, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, या तो रॉ मटेरियल्स इंक्रीज करना है. अब प्रॉब्लम है कि या तो रॉ मटेरियल्स मिल नहीं रहे, उसका उतना सप्लाई नहीं है, या फिर लेबर्स उतने नहीं मिल रहे, और अगर मिल रहे हैं तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पा रहा है. मतलब आपका कैपिटल गुड तो फिक्स्ड है, बट आप रॉ मटेरियल लेबर उसमें कितना डाल पाओगे, और अगर आप डाल भी दो तो आपको उतने मिल नहीं रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, कॉस्ट विल इंक्रीज, क्योंकि वो हायर, क्योंकि आप डिमांड ज्यादा करोगे लेबर का, तो डिमांड लेबर का वेजेस बढ़ेगा. एंड एट द सेम टाइम आपका शॉर्ट रन में फिक्स्ड इज कॉन्स्टेंट है ना, फिक्स्ड इज कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट है मतलब आपको फिर अगेन द वर्ड पैंडेमिक, तो पैंडेमिक में यू कैन नॉट हैव अ लॉट ऑफ लेबर्स वर्किंग इन द सेम प्लेस, सो यू नीड टू कंसिडर दैट एज वेल. सो दैट्स ऑल्सो अ रिस्ट्रिक्शन हैपनिंग वेयर यू नीड टू प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू योर लेबर एज वेल. ठीक है, तो ये सब आइसोलेट करना है, सब साथ में नहीं बैठ सकते, तो ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, विच कैन नॉट हैपन इन द शॉर्ट रन. अब लॉन्ग रन में आ जाएंगे. लॉन्ग रन में उसको क्या होगा, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपना इंक्रीज कर सकता है, और नया स्पेस ले सकता है, मशीन्स नए लगा सकता है, फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज कर सकता है, इक्विपमेंट्स नए ला सकता है, इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है बाहर से. जैसे हम बोल रहे थे ना, कॉस्ट इज अच. हाँ, तुम 5 मार्क्स, यू हैव टू ले आउट योर आंसर्स प्रॉपरली. तुम डायरेक्टली, इसीलिए हम लोग को मार्क्स नहीं मिलता, तुम चैलेंज तो 2 ही बोल पाएगा, पर तुमको लेआउट करना है, तुमको दोनों चीजें डिस्कस करनी है. नहीं, अननेसेसरीली नहीं बढ़ाना है, पॉइंट शुड बी वैलिड. हाँ, यू हैव टू डिस्कस एंड देन, हाँ, कि कैसे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का डिफरेंस आया, वो तुम्हें लाना है. ठीक है, अब इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिएगा. अब क्योंकि अब ये आया, ये सब चाहिए, लॉन्ग रन में कर सकते हैं. दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दिस लाइन,
कि भाई ये सब इंक्रीज करना है, ये इंक्रीज करना है, ये इंक्रीज करना है, आफ्टर दिस आप क्या बोलोगे, इसके लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट. हो सकता है उस समय क्योंकि पैंडमिक है, इनस्टेबिलिटी है मार्केट में, तो लोग आपको इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो, बिजनेस कॉन्फिडेंस लो हो, आपको लोन नहीं मिले, लोन एट अ हायर रेट मिले, एंड यू मे नॉट हैव अ यू नीड अ सिग्निफिकेंट टाइम टू, आपके लिए लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट कितना लॉन्ग है, यू नीड दैट सिग्निफिकेंट टाइम फॉर द रेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग एन प्रॉपर प्रिमाइस वेर यू कैन डू द मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, पूरा ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायो जिम्नेशियम इज अनलाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द मॉडल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये तुम लोग को मॉक में दिए थे क्या? जिम्नेशियम इज अनलाइकली टू बी एसोसिएटेड विद अ मॉडल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्यों नहीं हो सकता जिम्नेशियम? ये आपको एक एक करके बताओ. चलो बोलो. सबसे पहले तो फ्री जिम नहीं, क्यों परफेक्ट? ठीक है, तो इन लोग बोल रहे हैं फ्री एंट्री एग्जिट नहीं हो सकता क्योंकि एक जिम बनाने के लिए यू नीड अ प्रॉपर सेटअप कॉस्ट, यू नीड इक्विपमेंट्स, तो वो फ्री एंट्री एग्जिट नहीं है. एट द सेम टाइम ये एंट्री हो गया, एट द सेम टाइम अगर किसी को एग्जिट करना है सो देर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स विच यू कैनॉट यूज इन एनी अदर बिजनेस. संक कॉस्ट इज वेरी, यू कैनॉट यूज इन एनी अदर. लैंड को यू कैन यूज, यू कैनॉट टॉक अबाउट द एरिया. एरिया लैंड आई कैन यूज, बट द इक्विपमेंट्स यू कैनॉट यूज, इन्वेंट्रीज यू कैनॉट यूज समवेयर एल्स. दैट इज वन अगेन और. तो दिस कॉजेज अ बैरियर टू एंट्री, ये भी लाइन लिख सकते हैं अपने. इससे आपका वो पॉइंट फुल हो गया. ठीक है, अब पूरा नेक्स्ट. अरे उसके पहले और भी पॉइंट्स हैं. होमोजेनियस प्रोडक्ट, जिम्नेशियम इज नॉट होमोजेनियस. हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल मार्केट, एक जन का जो गाजर बेच रहा है दूसरा जन गाजर सेम है, कैरेट कैरेट, बट यहाँ पे आपके दो जिम्स सेम नहीं है. डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज ऑफर्ड, इट डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग पर्सनल जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, इट डिपेंड अपॉन द फेसिलिटीज ऑफर्ड. ठीक है, जानवी सिंह, एंड सो वेरी गुड, एंड सो सिंस इट्स नॉट होमोजेनियस, दीज जिम्नेशियम्स आर नॉट प्राइस टेकर्स, दे आर प्राइस मेकर्स. सो अगेन नॉट अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. और सो यहां से अब आप एक और पॉइंट निकालोगे, डिग्री ओवर द प्राइस, कंट्रोल ओवर द प्राइस. तो यहाँ पे दे आर नॉट प्राइस टेकर्स क्योंकि अगेन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चेंज कर सकते हैं एज पर द सर्विस दे आर ऑफरिंग, एंड दिस कैन रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी नहीं है, एंड सो दिस लीड्स टू अ, एंड इसमें बहुत चीजें हैं. आप नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन भी कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन भी कर सकते हो. सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ बेटर ऑप्शन, फिर उसको समझाओ क्योंकि और तो आपको बताने ना स्पेसिफिक मार्केट बोले कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, मोनोपोली ओलिगोपोली नहीं, कि देर आर सफिशियंट नंबर ऑफ जिम्स एंड ऑल ऑफ इट इज एंड सर्विसेज मोर ऑल इज सिमिलर है बट नॉट सेम. डिफरेंस कहाँ आता है? उनका क्वालिटी पे, उनका ब्रांड नेम पे, उनका एडवर्टाइजिंग पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, 31. Of a dairy farm operating in a perfect competition MPC तो ये external cost किस side से आ रहे? Production की consumption, production side से आ रहे. तो आपका यहाँ पे जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है दैट इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एन एक्सटर्नल कॉस्ट. पहला बोला आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू कर्व्स अबव रिप्रेजेंट मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ए या बी? ए या बी? ए होगा क्योंकि वो उसके ऊपर है ना, ये हमने देख लिया. मार्जिनल मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए आपका मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ना कि नीचे, क्योंकि देयर इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट नॉट बेनिफिट. करेक्ट. नेक्स्ट इज डिटरमाइन
लेवल ऑफ आउटपुट दैट द फर्म विल प्रोड्यूस इफ इट डिसाइड्स नॉट टू टेक इन टू अकाउंट द डैमेज. मतलब कि एमपीसी इक्वल्स एमबीसी मार्जिनल, आई नहीं सॉरी मैंने क्या लिख दिया, मार्जिनल डिमांड बेसिकली, नहीं सोशल कॉस्ट नहीं, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बेसिकली डिमांड कर्व जो आपका है. तो यहाँ ए आर इज द डिमांड, तो आपका कौन सा पॉइंट है, प्राइस इक्वल्स एमसी कहाँ आ रहे हैं, क्यू टू पे आ रहे हैं. दिस इज व्हाट द फर्म विल मेक विदाउट गवर्नमेंट इम्पोजिंग एनी थिंग ऑन इट, कि भाई तुम सोशल कॉस्ट अपना कंसिडर करो. डिटरमाइन द लेवल ऑफ मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट आइडेंटिफाइड. सो इस लेवल पे आपका मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कितना है, पी टू माइनस पी थ्री. ठीक है, नेक्स्ट डिटरमाइन द, देखा कैसे ग्राफ को इन्होंने किया है, आपको नहीं आता तो नहीं कर पाते, जाके थोड़ी रीड करोगे इवन इफ इट्स ओपन बुक. डिटरमाइन द लेवल ऑफ सोशली एफिशियंट आउटपुट कौन सा हो जाएगा आपका, एम एस सी इक्वल्स ए आर विच इज क्यू क्यू वन. ठीक है, ये बताना पड़ेगा, प्राइस इक्वल्स एम एस सी. 32 पे आ जाओ. मैम वो क्यू वन कैसे हुआ, ये बोल रहे हैं क्यू वन कैसे हुआ, श्रेय बोल रहे हैं क्यू वन कैसे हुआ. श्रेय तुम पढ़ा नहीं है क्यू वन कैसे होगा, एम एस सी शुड बी इक्वल टू ए आर या फिर डिमांड या फिर प्राइस. तो वो कहाँ हो रहा है, इधर ही तो हो रहा है क्यू वन पे. ओके, ये टेकिंग इन टू अकाउंट द सोशल कॉस्ट द एक्सटर्नल कॉस्ट. तो आउटपुट शुड, जब भी आपका एक्सटर्नल कॉस्ट होता है आउटपुट गोज डाउन प्राइस इंक्रीजेस. हाँ बोलो. एम पी मतलब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बोल रहे हैं, विद डज नॉट डैमेज ऑफ द सराउंडिंग. मतलब वो अपना प्राइवेट, वो एक्सटर्नल को कंसिडर नहीं कर रहा है. हाँ तो एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं कंसिडर करेगा तो वो कहाँ इक्वेट होगा उसका, ये इक्वेट होगा ना, ये और ये. मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज नथिंग बट द सप्लाई कर्व, मैंने लिखवाया है. एंड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज नथिंग बट द, तो डिमांड और सप्लाई इक्वेट यहाँ हो रहा है ना. डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू अराइज विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एनर्जी सोर्स सच एज गैस. टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज, ठीक है बट आप इसको समझाओगे कैसे, 3 मार्क है. एनर्जी इम्पोर्टिंग कंट्री है एंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दैट कुड बी एक्सपेक्टेड टू अराइज. तो प्राइस ऑफ एनर्जी सोर्स अगर इंक्रीज होगा एंड हम लोग क्या करें, हम लोग इम्पोर्ट, खाली कॉस्ट पुश लिखने से हाफ अ मार्क भी नहीं मिलेगा. नीड टू एक्सप्लेन इट कि हम लोग कौन है. वी आर इम्पोर्टिंग एनर्जी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री. इफ देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एनर्जी, उससे क्या होगा कि आपका cost of production will go up, which will lead to increase in price and this is known as your cost push inflation. अब और इससे और क्या होगा, cost push inflation होगा, आप कम produce करोगे, production curve has shifted upwards, supply curve has shifted, कम produce करोगे तो आप कम demand करोगे labors का, तो उससे आपका unemployment in the economy will increase, your aggregate supply will shift upwards, prices will of other goods and services will increase leading to inflation in other goods and services or increase in wages hoga jo cost of living increase ho jayega na logo ka kyunki price increase ho raha hai cost push inflation se to usse log wage bhi increase karayenge aur wage agar increase karayenge wapas se cost push inflation hai to that's a एक स्पाइरल आपका बन जाएगा. दैट्स हाउ यू गेट योर 3 मार्क्स. यू नीड टू एक्सप्लेन फ्रॉम ए टू जेड. आई गिव यू ऑल टाइम, दिया था ना मैंने रीड करने का टाइम, रुक जाओ. आउटलाइन फिर तुम लोग बैठ के पूरा लिख के जाओगे आज, ऐसे नहीं कि बस डिस्कस हो गया तो नहीं, वापस से रीड करके लिख के जाओगे क्लास से. आउटलाइन ऑफ पोटेंशियल पॉलिसी
रिस्पॉन्स मैंने तरीका बताया है, आप लोग बोलते हो ना डिस्कस करो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही डिस्कस होता है, एक तरीका एक फ्लो बताया मैंने, एंड तीन दो तीन क्लास के बाद आप लोग का भी फ्लो बनने लग जाएगा. आउटलाइन अ पोटेंशियल पॉलिसी रिस्पॉन्स टू मैनेज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आइडेंटिफाइड इन पार्ट वन इन लॉन्ग रन एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड. सोच के बताओ, एकदम लॉन्ग रन में अगर हम लोग थोड़ा ना डीपर सोचे, हम लोग मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है. सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े. जैसे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज होम ग्रोन. आप लोग एक्चुअली, हम लोग जब आप लोग गुजरात साइड राजस्थान साइड जाओगे वहां आपको दूर दूर में खाली विंडमिल्स दिखेंगे, सोलर पैनल्स दिखेंगे. क्यों? वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आर ओन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू इम्पोर्ट दैट ऑयल, दैट द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग फॉर दैट. दैट्स अ लॉन्ग रन वन वे यू कैन. एंड व्हाट्स द प्रैक्टिकल चैलेंज फॉर दैट, कि आपका क्या चैलेंज है बताओ. दैट्स अ सप्लाई साइड पॉलिसी. ये जो हम मैंने बोला, इट्स अ सप्लाई साइड पॉलिसी, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन विच इज होम ग्रोन. ठीक है, और बोलो, इससे क्या होगा, आप कॉस्ट इफेक्टिव करोगे, आपको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो आपका कॉस्ट सेविंग होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका कम हो जाएगा. और सोलर पैनल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब विंड एनर्जी एग्जाम्पल दे दिया. करेक्ट. नहीं, अब बोलो इसका, अब इसमें देखो, इको में आपको थोड़ा, एंड इनफैक्ट CB1 का पेपर भी दोगे तो थोड़ा आपको इमेजिनेशन आपको इंक्रीज करना होगा ये सब चीजों में. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स है सेटअप कॉस्ट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन सब का सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई. सो इनिशियल जो आपका कॉस्ट लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, दैट्स वेरी हाई. फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव, सप्लाई साइड में यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है कि लोग खुद से वो काम करें. गवर्नमेंट खुद से अपना डिमांड नहीं बढ़ाते है, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाते, टैक्स कम नहीं करते, दैट्स अ डायरेक्ट रूट. इनडायरेक्ट रूट वो सप्लाई साइड से जाते हैं, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो आया, तो गवर्नमेंट आपको इनकरेज कर रहा है. तो गवर्नमेंट कैसे हाउस होल्ड को, बिजनेसेस को बोले कि भाई तुम लोग सोलर पैनल्स लगाओ, क्या रूल्स बनाएगा, पॉलिसी लाएगा. जैसे अभी आई थिंक कैलकटा में आया कि नहीं, कि एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर अगर बिल्डिंग जाएगा तो उसको सोलर पैनल लगाना ही पड़ेगा, इट्स अ नेसेसरी. ठीक है, तो उनको सोलर पैनल यूज करना ही होगा. सो दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज उनको लाना होगा गवर्नमेंट को टू सपोर्ट कि लोग ये टेक्नोलॉजी को अपनाएं. और वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या देके, सब्सिडी देके सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, टैक्स इज अ रॉन्ग वे, दैट्स डिस्करेजिंग. उस पे इंक्रीज कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल द वे ऑलरेडी इट्स इंक्रीजिंग, वो एक डिस्करेजमेंट है ही ऑलरेडी. ठीक है, बोल सकते हैं, बट अगेन सोचो, पॉइंट सोचो. स्किल्ड लेबर कैन बी अ चैलेंज, वेरी गुड जानवी. तो आपके पास लेबर नहीं है जो वो सेटअप कर पाए और उसको जो यूज कर पाए आपके प्रोडक्शन में, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट जानवी. अब इसमें गवर्नमेंट क्या रोल करेगा, अब तुम सही बोला, तुम बोला कि पॉइंट्स बोलो सप्लाई साइड, बट क्या पॉइंट्स, उसको तुमको इस तरीके से अडेप्ट करके बोलना होगा. तुम ओपन ओपन ऊपर ऊपर से नहीं बोल सकता है कि रिसर्च डेवलपमेंट कर दो, सब्सिडी दे दो, कि ना इनकरेज कर दो, कैसे इस स्टोरी में तुम डालो उसको. अब तुम्हें स्टोरी में कैसे डालोगी जानवी, गवर्नमेंट विल वोकेशनल ट्रेनिंग देगा वो. ठीक है, लेबरर्स को रीट्रेनिंग करना है, रीस्किल करना है. ठीक है, इसके पॉइंट्स ढूंढो, आई विल जस्ट कम बैक इन अ मिनट. अच्छा हो गया है, मतलब अगर सीआईडी में कंप्लीट हो तो हमेशा तो हमारा स्ट्रेट बनता है, वो फर्स्ट करते हैं.
पर हम इसमें जितना अच्छे से जानते हैं ना पर्सनली उतना अनुराग नहीं है, मतलब एक मेरे क्लास में था बट एक साल रिपीट किया था, ये पायन काफी अच्छा था। तो सब तो बोर्ड्स के बारे में पर उसमें बोला ही क्या है एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट है तो अरे तुम पूरा अच्छे से समझी नहीं होगा, तीन बार एक क्या समझा देख लीजिए उस दिन वो गया था पूरा रात भर आया नहीं, अगला दिन का 3 बजे उसका ऑडियो भी था, देखो अच्छा लग रहा है कोई मर्डर वर्डर हो। अरे भाई पता है इस बैग की है तो वैसा बच्चे का मर्डर एक मैडम उसका वो उसमें ना हो रहा है जैसा था ऐसे बोलना नहीं थी थोड़ा फंडिंग देखो But it's so good. Chair. And it's not strength there. Huh? It's my parents have been eating it. I am not gonna say all this. It's not good, but it's my life part there. Okay. एग्जाम 19 को खत्म हो रहा है 28 या फिर 19 से 19 चल रही है मेरा शादी है मजा नहीं 19 को पहले फर्स्ट
हाँ तो 21st को है ना 20th को संगीत का है 91st को मेलबी है हाँ तो मेलबी को तो जाएगी क्या को डिस्कस डिस्कस नहीं करना इसलिए क्योंकि मेलबी का वंश तो है ना बात कर दो तुम अच्छा जाना है उसको अच्छे में चलिए इतना मैंने कहा सोचे से चला बताऊँ इतना बढ़िया से नहीं बिल्कुल शॉपिंग ऐसा खा रहे हो कुछ रोटी पूरा खुल गया अभी कुछ दो सम बचे दो से तीन सम ओ तो ना पानी है जी ब्रेक तो ले ली ट्राई करके पता नहीं तो ब्रेक ले ली आज किया है 80-90 ये दोनों ISLM तो कौन सा चैप्टर बोलेगी तुम 16 में नंबर 16 या 17 में तुम बहुत ISLM कब क्या है ना ISLM कब तो 18 के पहले आता है चैप्टर याद नहीं है मुझे याद नहीं है क्या तो इन द प्रेसिडेंट सेविंग कमांड एंड उसका मनी सप्लाई चलो क्या कर रहे थे अपने 33 की 34 कितने क्वेश्चंस है इस पेपर में 36 चलो हाँ फिर खत्म आज का हाँ आई ऑनेस्टली CB2 मैं सारे क्लासेस में 6 घंटे में लेती हूँ CB2 में ऐसा है ना कि आई कैन नॉट टेक मोर देन 4 आवर्स मतलब इट्स लाइक अल्टीमेट क्योंकि बहुत टू मच थ्योरी फॉर मी हो जाता है एंड आप लोग के लिए भी हो जाता है इसीलिए CB2 हमें खुद ही सजेस्ट करती हूँ भाई 4 घंटे पढ़ना है डेली उससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे तुम लोग अनलेस तुम लोग अभी एकदम 1 महीने में जो पढ़ता है खाली उसको तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा रेगुलर जो है वो ठीक है कंपेयर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इनकम टैक्स रिलेटिव टू अ सेल्स टैक्स ऑन कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स एंड द इकोनॉमी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इनकम टैक्स रिलेटिव टू सेल्स टैक्स ऑन कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स इट्स लाइक अ GST सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट का बोला है चलो एक एक करके पहली बात तो टैक्स के बारे में बताते हैं सबसे पहले तो पर्सनल इनकम टैक्स जो हो गया आपका ये पर्सनल टैक्स हो गया आपका इससे आपका जो इनकम है वो डायरेक्ट उस पर लगता है उससे आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है तो आप एक्सपेंडिचर अब कम करोगे क्योंकि आपके पास पैसा कम है तो अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपका कम हो गया तो आप वही चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो खरीदोगे सो लग्जरियस गुड्स आप कम खरीदोगे एंड कंजम्पशन विल फॉल इन द इकोनॉमी ये आएंगे अब पहले इसको इतना समझाया ना अब तुम क्या तुम पता है तुम बहुत भागता है तुम ये जो बोला अब तुम ये बाद है कंजम्पशन फॉल हुआ और यू हैव टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स तुम उसको जोड़ नहीं सकते अभी जोड़ो तुम लास्ट में पहले दो अलग अलग चीज है उसको पहले पूरा कंपेयर कर दो फिर लास्ट में तुमको जोड़ना है तो तुम जोड़ो ठीक है तो ये हो गया अब इनकम टैक्स प्रोड्यूसर को नहीं लेवी होता है किसको होता है डायरेक्टली टू द कंज्यूमर ठीक है तो ये एक चीज है अब टैक्स कलेक्शन इज जब हम लोग बात करें इनकम टैक्स मेरे पास इनकम आया फिर मेरे पास इनकम आया फिर मैं उसको टैक्स दूंगी तो इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस ये भी आपको बोल देना है अब टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है ये होता है डायरेक्टली आपका उसी समय अप्लाई जब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं जब भी आप मूवी का टिकट खरीद रहे हो तभी आप उसका टैक्स दे रहे हो ठीक है तभी आप उसका टैक्स
दे दे रहे हो। अब इसमें बोला है कि अब देखो ये इसको कैसे हम लोगों को करना है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट है, प्रोड्यूसर पे एंड इकोनॉमी पे। तो कंज्यूमर पे यहाँ क्या इम्पैक्ट है कि वहां पे जब उसने पे किया तभी संगे संग उसने टैक्स पे कर दिया, सेल्स टैक्स, और इनकम यहाँ क्या हुआ, उसको मिला पैसा, फिर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया तो वो कम कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंज्यूमर का इम्पैक्ट है। प्रोड्यूसर का क्या इम्पैक्ट है, प्रोड्यूसर पे आपका इनकम टैक्स को कुछ अफेक्ट नहीं आते अनलेस एंड अंटिल उस पे इनकम पे चार्ज हो रहे। तो यहाँ पे सेल्स में आपका क्या होगा, नाउ इट डिपेंड्स कि आपका गुड्स एंड सर्विस का क्या नेचर है, ठीक है, वेरी गुड, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। सो इफ योर सेल्स टैक्स इंक्रीजेस फॉर एग्जाम्पल एंड द डिमांड फॉर द गुड, ध्यान से सुनना, डिमांड फॉर द गुड इज इन इलास्टिक, तो डिमांड ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब कंज्यूम उतना ही करें तो इकोनॉमी में ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन साइड से बोले, प्रोडक्शन अगर इन इलास्टिक है तो वो ज्यादा कम प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो उसको ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। और बोलो, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो वो कम हो रहा है, आपका जीडीपी विल फॉल अगर आपका इनकम टैक्स बढ़ता है, ठीक है। सिमिलरली अगर सेल्स टैक्स बढ़ता है तो आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा कि आपके जो गुड्स होंगे वो इनके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, लोगों का इनकम उतना ही है, मे बी दे विल नाउ बाय गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे टैक्स कम हो रादर देन जिसपे टैक्स ज्यादा है। अगेन यूजुअली लग्जरियस गुड्स में ज्यादा टैक्स होते हैं तो वो नॉन लग्जरियस गुड्स ज्यादा खरीदेंगे। हाँ, यू कैन से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इकोनॉमी का एक तो पॉइंट आपने बोल ही दिया है, टैक्स का, और टैक्स से आप क्या कर सकते हो फिर, और एक सेकेंड आप एक चीज बताओ, इकोनॉमी इफेक्ट में जब आप इनकम टैक्स बोलते हो तो इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं बट सेल्स टैक्स में देयर इज नो स्लैब्स, तो सेल्स टैक्स सबको इक्वली अप्लाई हो रहा है, सो दैट कैन बी अनफेयर टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में आपने टैक्स लगा दिया बट दैट इज अनफेयर टू पीपल हु आर हु कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट, बट इनकम टैक्स का स्लैब्स इज यू कैन से इट्स फेयर एंड इट लीड्स टू अ फेयर। इनकम टैक्स का स्लैब आप वैसे बना सकते हो कि इट लीड्स टू अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, दे मे सीक टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इलास्टिसिटी पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सो जितने पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स आप जोड़ सको आप इसमें जोड़ सकते हो। ये आई थिंक ओपन एंडेड क्वेश्चन था काफी, इसमें हम लोग इलास्टिसिटी, टैक्सेशन, जीडीपी वाला पॉइंट सब कुछ डाल सकते हैं। कंपेयर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी इन क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन अपोज टू ट्रेडिशनल मनी। ट्रेडिशनल मनी क्या होता है, पहले तो मोटिव्स फॉर मनी क्या होते हैं उसको समझो। 5 कितने मार्क्स के, 6 मार्क का तो ऐसे ही तो नहीं मिलेगा 6 मार्क, ठीक है, तीनों को समझो। ट्रेडिशनल का क्या होता है, नोट्स कॉइन्स पहले लोग घर पे रखते थे और पहले लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते थे, नाउ क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो वर्किंग इन अ सिमिलर वे। ये पता है 2022 का क्वेश्चन है, उस समय जब क्रिप्टो करेंसी का एकदम फॉल पीक में आया था, जितने लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए थे डूब गए थे एक बार के लिए, तो ये उस समय का क्वेश्चन है। कैश इज रिलेटिवली वाइडली मीन्स जो हम लोग पहले यूज करते थे, बट क्रिप्टो करेंसी केम अदरवाइज, जो आपस में लोग उसमें भी कुछ लोग ट्रेड करने लग गए, ठीक है। एंड देयर वाज, अगर ये स्प्रेड हो जाएगा एंड क्रिप्टो करेंसी में आप एज अ स्पेक्यूलेटिव पर्पस करते हो ना, इसमें क्या लिखा है, मोटिव्स, तो आप स्पेक्यूलेटिव मोटिव से आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो। अब इसमें बोला है कंपेयर द मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी इन क्रिप्टो करेंसी, मतलब तीनों तरीके से अगर लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, स्पेक्यूलेटिव तो लोग कर ही रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ेगा, वील गेट अ गुड रिटर्न, बट अगर तुम ट्रांजेक्शनरी भी इसी में करो कि वील एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, सो आई एम बाइंग क्रिप्टो करेंसी फॉर माई ट्रांजेक्शनरी मोटिव्स, एंड आप प्रिकॉशनरी के तौर पे भी आप इसी पे कर दो। ट्रेडिशनल हो गया आपका कैश कॉइन्स नोट्स,
एंड न्यू तरीका हो गया ये, और तीनों मोटिव को एक एक करके अब आपको कंपेयर करना है. तो प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होगा प्रॉब्लम, कैश को आप इजीली दे सकते हो उसके बदले आपको मिल जाएगा, बट हो सकता है लिक्विडिटी है, बट हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में वो लिक्विडिटी नहीं हो, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो, सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करे, जितना जब रिक्वायरमेंट हो उसको कम में, मार्केट प्राइस कम हो जाए तो उसको कम में बेचना पड़े. तो प्रिकॉशनरी मोटिव आप दोनों का समझा सकते हो, कैश का और इसका. ठीक है, और बताओ और क्या समझा सकते हो, स्पेक्यूलेटिव मोटिव से कैसे समझाएंगे. वापस जोर से सुना नहीं. कैश में आप अगर कैश में अपना मनी रखते हो तो उस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, बट उसमें आपका ग्रोथ नहीं है. Whereas recently we saw उस समय की क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था, ग्रोथ हुआ था, बट अगेन इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट. हो सकता है कि ग्रोथ है तो आपका फॉल भी काफी ज्यादा हो, तो बहुत ज्यादा रिस्की है. तो स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस से अगर हम लोग बात करें तो लोग क्रिप्टो करेंसी में अगर करते हैं, सो इट्स अ वेरी हाई रिस्क गेम. सो नॉट एवरीवन विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ओनली द रिस्की इन्वेस्टर्स विल बी, अदरवाइज दे विल बी होल्डिंग कैश. ट्रांजेक्शनरी में भी आप सिमिलरली पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप सब जगह उसको नहीं यूज कर सकते हो एज अ ट्रांजेक्शन मोटिव, बट कैश आप हर जगह यूज कर सकते हो एंड वो रेडिली अवेलेबल भी रहता है वो आपको. एंड देर इज नो फिक्स टाइम या फिक्स सोर्स थ्रू विच यू कैन एक्सचेंज. क्रिप्टो करेंसी का एक सोर्स है कि इसी सोर्स पे आप खरीद सकते हो बेच सकते हो. ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको बोलते हैं. नेक्स्ट 35, डिस्कस बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्जिबिट ग्रेटर प्राइस वोलेटिलिटी देन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. वोलेटिलिटी ज्यादा कब आते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस कब आते हैं, क्यों आते हैं? एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होता है? सीजनल एंड वेदर चेंजेस. सो अगर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन इन द वेदर है विल लीड टू विल अफेक्ट योर क्रॉप्स. सिमिलरली फिशरीज भी इसी में आ गए कि आपके अगर रिसोर्सेस काफी फाइनाइट है, करेक्ट, तो अगर हम उसको काफी टाइम तक यूज करते चले गए, एक मेरा पॉन्ड है जहां से मैं फिशिंग करती हूँ एंड मैं बेचती हूँ, तो वो लिमिटेड है ना. एक पॉइंट के बाद हो सकता है एग्जॉशन हम लोग पहुंच जाए, तो आपके कहाँ बैरियर आ जाएगा जहां पे आपका रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएगा, आपके पास उतना होगा ही नहीं क्रॉप बेचने के लिए. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका सप्लाई शॉक आ सकता है मार्केट में, या एक बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया एंड इतना लोग खरीद नहीं रहे, होता है वो भी चीज होता है ना, उतना डिमांड नहीं है तो प्राइस बहुत गिर जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, और एक जगह बढ़ जाता है. ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट समझाना है, खाली एक एस्पेक्ट नहीं. फिर डिमांड क्या है, डिमांड साइड से आपका आपको क्या लगता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, प्राइस इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है. वेरी गुड जानवी, अनसर्टेनिटी इन सप्लाई इज द वर्ड. अब ये हो गया सप्लाई साइड पूरा डिस्कस किया, अब डिमांड साइड बोलो. वेरी गुड, इनइलास्टिक है क्योंकि जनरली दीज प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल फॉर आवर कंजम्पशन. सो अगर इनइलास्टिक है तो अगर कोई सप्लाई शॉक होता भी है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होता है तो आपका डिमांड सिग्निफिकेंटली नहीं गिर सकता. ठीक है, वेर एज सेम टाइम पे अगर हम लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का बात करें तो वो क्या होता है, उसका सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक. कैसे भाई, अगर प्राइस बढ़ा तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कम हुआ तो हम कम प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग ओवर टाइम कर सकते हैं, लेबर कम कर सकते हैं, रॉ मटेरियल इंक्रीज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कम कर सकते हैं, तो उसमें कुछ वैसा एक कंस्ट्रेंट उस टाइप का नहीं है. बट एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में क्या प्रॉब्लम है, इस पेन के और कितने अल्टरनेटिव्स हैं? कैरेट का कोई अल्टरनेटिव है, अनियन का कोई अल्टरनेटिव है, टमेटो का कोई अल्टरनेटिव है? नहीं. सो यू हैव अल्टरनेटिव्स इन मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड हेंस योर डिमांड बिकम्स इलास्टिक तो उसमें एग्जाम्पल दे देना, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड ऑल दैट, एंड यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो आप वो उसका एग्जाम्पल दे देना. ठीक है, सो वी कैन से इसमें बोला गया था कि आपको प्राइस वोलेटिलिटी एक्सप्लेन करना है, तो उसमें इलास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आपको ऐड करना होगा. इट इज मोर इलास्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स
both from the supply and the demand side, but these are less elastic. Next, outline various types of. So, आपको price volatility का price का जहाँ बात आता है, we talk about uncertainty, we talk about stabilized या the unstabilization, stabilization and हाँ and आपका क्या बोलते हैं elasticity वाला point. Outline and examples भी देना होगा इधर. Outline various types of intervention that government may take, may make in the agricultural market and challenges associated with such intervention. इंटरवेंशन क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? प्राइस सीलिंग लगा सकता है कि भाई जो इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, इनकेस जब शॉर्टेजेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक प्राइस सीलिंग लगा दिया है कि इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा. तो इसमें दोनों का फायदा है. एंड हो सकता है इसी में तुम सब्सिडी का पॉइंट घुसा दो कि फार्मर्स को वो एक सब्सिडी देता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेंटेन करने के लिए, एंड कंज्यूमर्स को भी ताकि उनको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, एक प्राइस सीलिंग मेंटेन. दैट्स वन. वी कैन गिव देम डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, दैट्स डायरेक्ट प्रोविजन. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ओपन बुक का फायदा क्या है, आप लोग को पता है कि इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, उसको खोल लो, उसमें आपके अलग अलग दिए हुए हैं. इंटरवेंशनिस्ट दिया हुआ है, एक डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा. तो डायरेक्ट प्रोविजन में आप क्या बोल सकते हो कि आप उनको डायरेक्टली जो तुम बोला उनको आप फर्टिलाइजर्स दो, मशीनरीज दो, जिससे वो और अच्छे से वहां पे दे आर एबल टू ग्रो द क्रॉप्स व्हाटएवर. और बफर स्टॉक्स मेंटेन कर सकते हैं फॉर टाइम्स जहां पे बहुत ज्यादा स्केर्सिटी आ जाए, और बोल सकते हैं, फिर नॉट कमिंग विद एनी पॉइंट यू कैन टेल दैट कि टू बेटर कैसे वो कर सकते हैं उस चीज को, प्रोडक्शन. हाँ, और अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा रिलाय करे ओवरसी मार्केट में, तो ट्राई कर सकते हैं कि वो उसका सब्स्टिट्यूट कैसे अपने कंट्री में ग्रो करे, ताकि उसको ज्यादा बाहर मार्केट, क्योंकि हमें एट द एंड करना क्या है, हमें प्राइस वोलेटिलिटी को कम करना है, तो वो कैसे करेंगे वो पूछा जा रहा है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड मे बेनिफिट कंट्रीज दैट ट्रेड इन मेडिकल इक्विपमेंट, मे बेनिफिट दैट ट्रेड इन मेडिकल इक्विपमेंट. इक्विपमेंट बोला है, वेरी गुड, रिड्यूसिंग बोला है. तो अगर हमने ये रिड्यूस किया, तो जिस कंट्री का जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइजेशन है वो उसमें ग्रो करेगा, एंड उसकी वजह से देयर विल बी रिडक्शन इन हेल्थ केयर, इम्प्रूव हो सकता है, प्राइस रिड्यूस होगा, और उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इन ऑल द सेक्टर्स, क्योंकि एवरी सेक्टर इज लिंक्ड. अगर हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, सो इट विल लिंक टू इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर्स एज वेल. बट जो कंट्री का लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो उसको फायदा है, बट जिस कंट्री का हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था उसको नुकसान होगा, उसको ज्यादा अपना रिसोर्सेज आउटगो करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम इक्विपमेंट. तो उससे क्या होगा, बोलो. ठीक है, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएगा मेडिकल सेक्टर में, लोग बाहर जाने लग जाएंगे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आउट ऑफ देयर ओन कंट्री, क्योंकि अगर मेरे कंट्री में इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे तो मैं बाहर की कंट्री में जाऊंगी. बेटर मेडिकल कैन बी डेवलप चीप इम्पोर्ट्स, ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज कैन बी डेवलप्ड इन कंट्री ड्यू टू चीप इम्पोर्ट्स. हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो आपस में उन लोग ट्रेड कर रहे हैं, एंड चीप इम्पोर्ट्स के वजह से हमारे कंट्री में देयर इज अ सोशियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन द कंट्रीज, जो और फ्यूचर डेवलपमेंट्स में काम है, फ्यूचर रिलेशनशिप.
बेटर ट्रेड ऑफ होगा, मेरा जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है मैं वो प्रोड्यूस करूंगी, तुम्हारा जिसमें कम है तुम वो प्रोड्यूस करना, एंड देन वील एक्सचेंज. एंड इससे क्या होगा कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, स्पेशलाइजेशन और इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, मेडिकल एडवांसमेंट्स होंगे. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट, बेसिकली आपको एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट जो हम लोग करते थे वो करना है. डिस्कस द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर रोलिंग आउट फ्री वैक्सीन्स ड्यूरिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक. इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर रोलिंग आउट फ्री वैक्सीन्स, तो इसमें आपके क्या इकोनॉमिक, पहले सबसे पहले तो जब आप फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव्स बताओ. लार्ज स्केल ऑफ पीपल अगर वैक्सीनेटेड हो जाएंगे सो अब वो घर के बाहर आ सकते हैं, फ्री ऑफ आइसोलेशन, दे कैन टेक पार्ट इन ट्रेड एंड कॉमर्स, दे कैन वर्क मोर, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा. तो वो पूरा आप लोग एक पूरा लेआउट उसका बता सकते हो कि वेलफेयर इंक्रीज होगा, हेल्थ सिस्टम इंक्रीज इंप्रूव होगा. बट उसके वजह से और क्या होगा कि गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो आगे चले गए तुम लोग बहुत ज्यादा. और क्या क्या होगा जब आप लोग सब लोग, सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या हुआ था, टूरिज्म इंडस्ट्री. सो बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस काइंड ऑफ केसेस. तो आप लोग बोलोगे टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, जो कि अब ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नाउ वैक्सीनेटेड, दे आर एबल टू मूव. हॉस्पिटेबिलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विल नाउ ग्रो. ट्रेवल इंडस्ट्री, एयरप्लेन्स एंड ऑल ऑफ इट वॉज शट, तो वो अभी ग्रो करेगा. पीपल घर पे रह रहे कि दे बिकम डी स्किल्ड बोलते हैं ना यूजली, तो वो वापस से स्किल उनमें आ जाएगा, दे विल स्टार्ट वर्किंग अगेन, इनकम विल इंक्रीज, देन यू कैन से गवर्नमेंट रेवेन्यू विल इंक्रीज आफ्टर अ लॉन्ग टर्म. बट नाउ व्हेन प्रोवाइडिंग अ फ्री वैक्सीनेशन देर इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग, विच दे मे टेक यूजिंग प्राइवेट डेट और पब्लिक डेट. ठीक है, एंड उसके बाद इन द लॉन्ग रन व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू ग्रो देयर रेवेन्यू विल गो एंड दैट मे लीड टू कंपेंसेशन फॉर दैट. राइट, क्लियर? और कुछ दोनों बोलना है, क्योंकि इसमें क्या वर्ड यूज किया है, डिस्कस. जब भी डिस्कस बोले तो आपको देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कस एंड आउटलाइन. आउटलाइन जब होता है आपको एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट लिखना है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना है. जब आप डिस्कस में बोलते हो तो आपको इन डिटेल, चाहे आपने तीन पॉइंट ही लिखा है, बस उस तीन पॉइंट को बहुत डिटेल में बोलना होता है. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कस एंड आउटलाइन. ठीक है, क्लियर? और कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं? सो लेट्स डू इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास तुम लोग ये रीड कर लेना घर पे, ठीक है, एंड ट्राई करना कि खुद से आज ही इन दोनों पेपर्स को सॉल्व कर लो. तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, उससे आप लोग को लिखने का आदत आएगा, आप लोग को पता चलेगा आप लोग का टाइमली पेपर फिनिश हो रहा है कि नहीं. ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय.